किसान संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च पर 2 दिन का विराम लगा दिया है और अभी वो सरकार के साथ मीटिंग पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उसी बीच कल 21 फरवरी को देखा ही गया था कि किसान दिल्ली चलो मार्च के लिए हरियाणा की तरफ कूच कर रहे थे। उसी बीच देखा ही गया कि जो हरियाणा पुलिस थी किसानों को रोकने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही थी, पर उसका किसानों ने जो जवाब दिया पराली को जला कर दिया। इस समय मैं वहीं खड़ा हूँ, बॉर्डर के पास खड़ा हूँ और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे, आप सामने देख सकते हैं खनौरी बॉर्डर के पास कितना सारा ढेर लगा हुआ है पराली का। इन ढेरों को बंडल के तौर पर रखा गया है और उन बंडलों को उठा उठाकर जो किसान है यहां पर लाए, खनौरी बॉर्डर के पास लाए और यहां जलाया। और हवा का भी जो रुख था वो हरियाणा की तरफ था और जो ये धुआं था ये हरियाणा पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गया। अभी मैं विजुअल में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आज फिर किसानों ने यहां पर जो पराली को आग लगाया था और आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि जो इस पराली से धुआं निकल रहा है उसका जो रुख है वो उस तरफ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप सामने देख सकते होंगे कि कैसे यहां ट्रैक्टर पार्क हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से यहां पर जो किसान हैं अपना धरना दे रहे हैं, हरियाणा के जरिए दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा कि वहां बहुत हैवी बैरिकेटिंग कर रखी है, हरियाणा पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है। उसी बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। वहीं हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों पर यह आरोप लगाया कि पंजाब के किसानों ने पराली के अंदर मिर्च डालकर जलाई, जिससे हरियाणा पुलिस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आंखों और चमड़ी पर जलन हुई। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों का भी हरियाणा पुलिस पर यह आरोप है कि हरियाणा पुलिस के जो जवान थे वो उनकी तरफ यानी कि पंजाब की तरफ, पंजाब बॉर्डर की तरफ दाखिल होते हैं और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ अनमोल नाथ बाली की खनौरी बॉर्डर से रिपोर्ट।